अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकार की तरफ से लॉन्च किए गए एक नए एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है मेरा राशन 2.0 एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के माध्यम से राशन कार्ड्स की सर्विस से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी सर्विसेज मिलती है। जैसे कि सभी राशन कार्ड धारकों के बीच में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी कि आपको अगर कोई भी नंबर अपडेट कराना है, EKYC का स्टेटस जानना है, आपको आपके राशन कार्ड में आपके किसी भी फैमिली सदस्य के नाम को ऐड करना है या फिर डिलीट करना है, तो इस प्रकार के सभी सरकारी कामकाज करने के लिए आपको एक राशन कार्ड का एप्लीकेशन बनाकर दे दिया गया है, जिसके माध्यम से आपको अब कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे खुद से ही आप ये काम कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको आपके राशन कार्ड में कुछ भी चेंजेस कराने हैं, जैसे कि आपको अगर नया राशन कार्ड अप्लाई करना है, आपको आपके राशन कार्ड में सदस्यों के नाम को ऐड कराना है या फिर आपको आपका नंबर अपडेट करना है, तो उसके रिलेटेड आपको किसी भी सीएससी सेंटर पर या जनसेवा केंद्र पर जाकर काम कराना पड़ता था, लेकिन अब ये सभी काम आप खुद से ही घर बैठे कर पाएंगे। इसमें आपको किसी को भी पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये एप्लीकेशन आपका काम करेगा। वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत आप सभी के लिए इस एप्लीकेशन को गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। अब आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, कहीं के भी रहने वाले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ एक ही राशन कार्ड एप्लीकेशन के अंतर्गत आप ये सभी काम कर पाएंगे। तो अभी हम आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप इस एप्लीकेशन को लॉगिन कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी, आप अपने फैमिली सदस्यों के नाम को कैसे ऐड करेंगे, मोबाइल नंबर कैसे अपडेट होगा और EKYC कैसे देख पाएंगे कि आपकी EKYC अभी पेंडिंग में है या फिर आपकी EKYC हो चुकी है। ये सारी सर्विसेज आपको एक ही एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगी। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में टाइप करेंगे मेरा राशन, उसके बाद मेरा राशन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने पर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन होगा। अब यहां पर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला रहेगा आपको बेनिफिशियरी यूजर्स और दूसरा रहेगा डिपार्टमेंट यूजर्स। तो यहां पर आपको बेनिफिशियरी यूजर्स वाले ऑप्शन को चूज करके आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे और इस कैप्चा कोड को यहां पर फिल करेंगे और लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक 6 अंकों का ओटीपी चला जाएगा, उसको यहां पे आके आगे आपको एंटर करना पड़ेगा। ओटीपी एंटर करने के लिए ओटीपी सेंड सक्सेसफुली लिखा हुआ है, इसको आप ओके कर देंगे। अब यहां पर आपका ओटीपी एंटर करेंगे और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है, अब इसको आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब यहां पर आपका एक 4 अंकों का पिन क्रिएट करने के लिए बताया जाएगा, ये बहुत जरूरी रहेगा। अगर आप यहां पे पिन क्रिएट कर देते हैं तो बार बार आपको आधार ओटीपी डालकर लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार लॉगिन हो जाएगा तो फिर पिन एंटर करके आप बार बार लॉगिन कर पाएंगे। तो यहां पर हम क्रिएट नाउ पर क्लिक कर देते हैं। अब यहां पर जो भी मनचाहा 4 अंकों का आपका पिन कोड बना लेंगे, एक बार पिन नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब दोबारा से इसी पिन को दोबारा कंफर्म करेंगे। अब क्रिएट एम पिन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपका 4 अंकों का एम पिन क्रिएट हो चुका है, इसको आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद लोकेशन को आप यस करेंगे। अब यहां पर आप देखेंगे आपका जो राशन कार्ड है वो आपका ओपन हो चुका है आपके मोबाइल फोन पर। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे जो डिटेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, हेड ऑफ फैमिली का नाम आपको दिखाई दे रहा है, फोन नंबर यहां पे अभी अपडेट नहीं है तो आपका फोन नंबर NA दिखाई दे रहा है, एड्रेस है आपका, राशन कार्ड का नंबर है और आपका जो डीलर है उसका एड्रेस, उसका नाम और उसका कोटा नंबर आपको यहां पे शो कर रहा है। अब यहीं पर अगर आप टैप करेंगे इसके ऊपर तो यहां पर आपका राशन कार्ड फ्लिप हो जाएगा, यानी कि आपको आपके राशन कार्ड में जितने भी फैमिली मेंबर्स ऐड है उन सभी की डिटेल्स यहां पर आपको दिख जाएगी, क्या नाम है, एज कितनी है और रिलेशन क्या है। और इसी के साथ में हम बात करें अगर आप इस डिजिटल राशन कार्ड कॉपी को अपने मोबाइल में सेव करना चाहें तो यहां पे आप डाउनलोड का एक सिंबल दिया गया है, एरो दिया गया है नीचे की साइड में, मतलब ऊपर यहां पे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका राशन कार्ड इस प्रकार से आपसे अलाउ करेंगे। अब यहां पर आप देखेंगे आपका जो राशन कार्ड की कॉपी है वो डाउनलोड होने लगेगी, तो कुछ इस प्रकार से आपके राशन कार्ड की डिजिटल PDF कॉपी आपके मोबाइल फोन पर ओपन हो जाएगी। इस प्रकार से आप अपने राशन कार्ड को कभी भी डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका किसी भी CSC सेंटर या जनसेवा केंद्र से, किसी भी इंटरनेट कैफे से आप इसका प्रिंट आउट निकालकर आप अपने पास रख भी सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपको अगला ऑप्शन मिलता है पेंडिंग मोबाइल अपडेट 3, यानी कि आपके राशन कार्ड में जितने भी मेंबर हैं उनमें से 3 लोगों के यहां पे मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, ओके कर दीजिए, ओके करने के बाद आप देखेंगे आपके सभी फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स यहां पे आ जाएगी। अगर आप डिटेल्स को देखना चाहते हैं तो यहां पे व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी देखने के लिए, और यहां पर आपका मोबाइल नंबर ऐड करने का भी ऑप्शन आ रहा है। मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे तो यहां पर आपका इस प्रकार से मोबाइल नंबर भी अपडेट हो जाएगा, जिस भी सदस्य के नाम के आगे आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहते हैं वो भी कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं मैनेज फैमिली डिटेल्स। इसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिलता है मैनेज फैमिली डिटेल्स। यहां पर टोटल मेंबर आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, इसमें से अगर आप किसी को हटाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं तो वो सब आप कर पाएंगे। यहां पे आपके राशन कार्ड के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको आप मैनेज करने का काम यहां पर आपको मिलेगा। और दूसरा रहेगा आपका राशन एंटाइटलमेंट,
इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ये देख पाएंगे कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से कितना राशन अलॉट किया गया है और कितना आपको मिल रहा है और चावल कितने मिल रहे हैं, गेहूं कितने मिल रहे हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है ट्रैक माई राशन के नाम से, यानी कि अगर आपने कोई भी आपके राशन कार्ड में फैमिली मेंबर को ऐड किया है, मोबाइल नंबर अपडेट किया है या फिर किसी का नाम हटाया है तो उसको आप यहाँ पे अपने स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं कि भाई आपके जो एक्टिविटी आपने किया उसकी क्या पोजीशन है। एंड देन चौथा ऑप्शन मिलेगा आपको माई ग्रीवरेंसेस, माई ग्रीवरेंसेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एड न्यू ग्रीवरेंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मौका मिल जाता है। अगर आपको किसी भी राशन डीलर से कोई भी समस्या है, आपको टाइम पर राशन नहीं मिल पा रहा है, कोई शिकायत करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, तो आप इस ऑप्शन के माध्यम से आप कंप्लेंट लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन शॉट लगाने का भी ऑप्शन मिलता है, कोई वीडियो क्लिप या फिर कोई भी स्क्रीन शॉट है आपके पास प्रूफ के तौर पर, वो आप देना चाहते हैं तो आप लगाकर सबमिट कर देंगे, आपकी जो है कंप्लेंट लग जाएगी और मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर आपकी समस्या का समाधान आपको मिलेगा। और इसी के बाद आपको सेल रिसिप्ट का ऑप्शन मिलता है कि जो गल्ला आपको मिला है, जो सामान आपको दिया गया है उसकी रिसिप्ट यहाँ पे मिल जाएगी। बेनिफिट रिसिप्ट्स क्या, गवर्नमेंट से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा चार्ट मिल जाएगा कि कितनी कितनी सब्सिडी आपको गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, वो सब डिटेल यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं कि आपके नजदीक में आपके राशन डीलर के अलावा, जहां से आप राशन लेते हैं उसके अलावा भी आपके एरिया में कौन कौन से राशन डीलर हैं वो भी जानकारी यहां से आपको मिलेगी। और अगर आप अपने राशन कार्ड को सरेंडर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर पाएंगे। और साथ ही साथ में अगर आप अपने राशन कार्ड को कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे स्टेट में, कहीं पर भी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो राशन कार्ड ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ये काम भी आप यहां से कर सकते हैं, जो कि इससे पहले बहुत मुश्किल था आप लोगों के लिए कि आप इस प्रकार के कोई भी राशन कार्ड में सर्विसेज यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे थे। अब आप ये काम घर बैठे अपने इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इजीली कर पाएंगे। सरकार ने वन राशन वन नेशन के तहत आपको ये सब करना काफी आसान कर दिया है। तो अब इस एप्लीकेशन को आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल और लॉगिन करने के बाद अब आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि आपको अब तक जितनी भी राशन कार्ड से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हो रही थी वो सभी समाधान इस एप्लीकेशन के माध्यम से सरकार ने आपके कर दिए हैं। अब आगे भी इसके बारे में जो भी अपडेट आएगी तुरंत आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, रिलेशन में और जरूरतमंद लोगों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी इस एप्लीकेशन के बारे में पता नहीं है। आपके जरिए अगर किसी को नॉलेज मिलती है, जानकारी मिलती है तो किसी का भला हो जाएगा। तो इसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाते रहिए, शेयर करते रहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।